हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज मैंने एक अमेजोन से बहुत ही बढ़िया जो है प्रोडक्ट खरीदा है, किचन प्रोडक्ट है, बहुत ही यूजफुल है, आप सबके बहुत ही काम आएगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अभी मुझे ये कोरियर वाला मेरा पैकेट जो है ये देकर गया मुझे, तो मैंने कहा अभी आपके साथ शेयर करती हूँ और ये वीडियो बनाती हूँ आपके साथ ही, ये खोलती हूँ उसको बॉक्स को। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने ये अनासा का बुलेट मिनी चॉपर खरीदा है, ब्रांड तो बहुत अच्छा है, देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। तो खोलते हैं इसको, तो ये निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये है, ये है ब्लेड। पैकिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी करके भेजी है। ये देखिए ब्लेड है, इसके कवर इन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह से, और ब्लेड भी बहुत बढ़िया है, डबल लेयर ब्लेड है इसका। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैकिंग करी हुई है इसकी। इसी तरह से हम इसको रख सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, इसी तरह से यूज़ करें और इससे पैकिंग कर लें। एक्चुअली मुझे लगता है ये काफ़ी शार्प है। ये है इसकी मोटर, इस तरह से कलर ब्लैक कलर बहुत सुंदर है। बाकी कभी निकाल लेते हैं इसमें से, बस यही है इसके अंदर। तो ये है एक इसका वारंटी कार्ड, इसकी वारंटी है मेरा टू ईयर्स की इसकी वारंटी है। तो ये वारंटी कार्ड इन्होंने दिया है और ये बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही स्टाइलिश लग रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश है। कलर भी इसका बहुत बढ़िया है और इसकी जो वायर है, ये मैं खोलती हूँ वायर को, वायर इसकी काफ़ी लंबी है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो ये 400 वाट्स का जो है हमारा इसकी मोटर है। इसका जो बोल है ये ट्रांसपेरेंट है और इसके नीचे ये रिंग लगी हुई है। इससे क्या होगा, जिस टाइम जब हम इसको चलाएंगे तो ये इधर उधर नहीं भागेगा, एकदम स्टेबल रहेगा इस तरह से। मैं आपको एडजस्ट करके बताती हूँ कि कैसे इसकी फिटिंग होगी। ये ब्लेड डालेंगे कुछ इस तरह से, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, इसके अंदर हमने इसको इस तरह से डाल देना है तो ये फिट हो जाएगा। इसका कवर जो है इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और ये बंद हो जाएगा। इसके ऊपर लगा देंगे ये मोटर और ये इस तरह से आराम से फिट हो गई। ये कनेक्ट करेंगे हम अपने स्विच के साथ, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये चल पड़ेगा। बहुत ही स्टाइलिश है ये, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर बना हुआ है ये, बहुत ही बढ़िया। इसका कलर भी बड़ा सुंदर है और हैवी है। अनासा का ब्रांड जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है इसका। अनासा का मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है, वो भी मेरा बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है वो भी मेरी। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं इसको आप वॉश कर लूँगी एक बारी, फिर ही मैं जो है इसमें कटिंग करके आपको चॉपिंग करके दिखाऊँगी। तो पहले इसको वॉश कर लेते हैं। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से और अब मैं आपको चॉप करके दिखाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको करके दिखाऊँगी प्याज, ये प्याज को मैंने छील कर अच्छे से धो लिया है और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया, मोटा मोटा काटा है, ऐसे रफली ही मैंने काट लिया। अब जैसे मर्जी इसको काट लें। इसके ऊपर हम ये लगा देंगे कवर, इसका बंद कर देंगे, हमने इसको कर दिया फिक्स। अब हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छे से ये चल रहा है, ये देखिए चेक कर लेते हैं। अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए, एक बार और घुमा लेते हैं क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं घुमाया। मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ तो ज़रा ध्यान से करूँगी, चेक कर लेंगे दोबारा। देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा प्याज हो गया, ये तो कुछ इस तरह से हुआ जैसे कि हमने इसको हाथ से काटा है। मैं इसको निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया, कितना सफाई से हुआ है ये। ये इस तरह से लग रहा है जैसे हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक हाथ से ही काटा हो, बहुत ही बढ़िया जो है मुझे तो ये लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और इसको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये निकाल लेते हैं और अब करते हैं शिमला मिर्च इसमें चॉप। अब मैं डालूंगी इसमें अपनी शिमला मिर्च, इसको भी इसी तरह से रफली कट कर लेंगे और डाल देंगे इसमें। मैंने दो शिमला मिर्च लिए, काफ़ी इसका कंटेनर जो है ये काफ़ी बड़ा बोल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें 3 से 4 शिमला मिर्च आराम से कर पाएंगे। लीजिए इसको भी डाल दिया, इसको कवर लगा देंगे ऊपर से, प्रेस करिए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी चॉप हो गई है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चॉप हुआ है।
बिल्कुल जैसे हाथ से हुआ होता है। ये 500 ml का जो है हमारा ये कंटेनर है। अब हम इसमें काटेंगे गाजर, ये इस तरह से छील कर हमने इस तरह से वॉश कर लिया और गोल गोल काट लेंगे। रफली इसी तरह से हमें चॉप कर लेना है। और भी मैंने काफ़ी सारे जो है चॉपर देखे थे, ग्लेन का भी जो चॉपर है इसका, तो जैसे 500 ml का ये कंटेनर है बोल, तो उनके जो हैं 400 ml के हैं और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। ये इसका जो प्राइस है वो भी कंपैरेटिवली कम है। ये मैंने जो परचेज़ किया है ये सिर्फ 1445 रुपीज़ का है, बहुत ही रिजनेबल है। मैं दबाती हूँ इसको, आप देखिए दोबारा। देखते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है, एक सेकंड में इतनी बढ़िया हो जाती है। मुझे तो ये वाकई में बहुत ही पसंद आया। और आप देख सकते हैं कि जिस टाइम मैंने इसको चलाया ये बिल्कुल भी इस तरह से हिला नहीं है, वो इस कारण क्योंकि इसके नीचे जो ये रिंग लगी हुई है, रबर की रिंग लगी हुई है, ये इसको हिलने नहीं देती है, बहुत कंफर्टेबल है। जिधर हम इसको रखें ये उधर ही फिक्स रहता है, बिल्कुल भी इधर उधर भागता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम जो लेते हैं चॉपर वो जब हम चलाते हैं उसको ऑन करते हैं तो इधर उधर जो है वो हिलते रहते हैं, तो ये बहुत कम्फर्टेबल है। इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सी जो है मुझे लग रही है ये सब्जियाँ कटी हुई। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि जब मैं इसको रूटीन में यूज़ करूँ। देखिए बहुत ही फाइन हमारी सब्जियाँ कट गई हैं। अब हम करते हैं टमाटो। अब मैं टमाटो इसमें डाल दूँगी इस तरह से चॉप करके। मैंने पहले धागे वाली जो थ्रेड वाला चॉपर होता है हैंडी बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी उसको यूज़ कर लेते हैं करते हैं हम, उसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं। तो टमाटोज डाल दिए इसके अंदर, इसको भी बंद कर देते हैं इस तरह से। और ये भी मैं चला कर दिखाती हूँ कि किस तरह से ये चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही मैंने जो है इसको चॉप किया, देखिए कितना बढ़िया चॉप हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट डिसीजन है। अनासा का चॉपर जो है बहुत ही बढ़िया है वाकई में। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये मिनी बुलेट है, मिनी चॉपर, मिनी बुलेट, बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे ये। तो इसको भी निकाल लेते हैं। अगला मैं आपको कैबेज यानी कि बंद को भी करके दिखाती हूँ, उसको भी हम इसी तरह से रफली कट कर लेंगे। जब हमने इसको हाथ से नाइफ से काटना हो तो हम काटते रहते हैं और थक जाते हैं, इससे जो है आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। और फटाफट से आप देख ही रहे हैं कितनी जल्दी कट रहा है, और वेस्टेज भी नहीं होती है इसमें। चेक कर लेते हैं, ये देखिए देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है। जब भी आपने बनाना हो मंचूरियन को ऐसा कुछ भी बनाना हो तो ये कितना फाइन हमारा ये कट हो गया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कट किया, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट है। तो चलिए अगला करते हैं। सुबह सुबह परौंठी खाने का मन हो और गोभी काटनी पड़े तो मुसीबत लगती है। तो ये देखिए गोभी फटाफट आपकी चॉप हो जाएगी और नाश्ता आपका मिनटों में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं। चॉपर निकालें इस तरह से। अब तो मैं बगैर यूज़ करे ही आपको बता सकती हूँ कि ये भी जो है गोभी भी बहुत ही बढ़िया हमारी जो है चॉप होने वाली है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे आ गया ये चॉप करके कि जो भी चॉप होगा उसमें खूब बढ़िया ही होने वाला है। चलिए गोभी भी करके देखते हैं। ये देखिए वाह, इसको देख के मेरे ख्याल से जो देखेगा इसको वो भी बोलेगा कि ये वाकई में एक्सेलेंट है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने रुक रुक के इसको करा है और सिर्फ 3 से 4 बार करा है, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये चॉप हो गई है। तो कितनी ये इफेक्टिव है, कितनी बढ़िया है। अब हम इसमें चॉप करते हैं अदरक। चॉप करते हैं इसमें अदरक, अदरक को हमने छील लिया है और इस तरह से रफली जो है हम कर लेंगे। अदरक एक ऐसी चीज़ है जो हमें तकरीबन रोज़ सब्जी में डालनी ही होती है। इसको चॉप करेंगे, इसको काटते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है, मैं मेरे हिसाब से तो ये किसी फूड प्रोसेसर से कम नहीं है। ये देखिए ये तो मिनी फूड प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया है, मेरे को तो बहुत ही एक्सीलेंट लगा है।
मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं इसमें जो है जॉब कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे मजबूर हो रही हूँ मैं बोलने के लिए कि दिस इज़ एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। इसको भी निकाल लेते हैं, अब इसमें कुछ हरी मिर्चें भी देख लेते हैं कट करके, इस तरह रफली डाल देंगे। मिर्चे बहुत कड़वी हैं, इसे थोड़ा ध्यान से खोलें। फर्स्ट टाइम कोई चॉपर देखा है मैंने जो हरी मिर्चों को भी इतना बढ़िया चॉप कर रहा है। तो लीजिए, मैंने काफ़ी कुछ आपको चॉप करके दिखा दिया है, इसको भी निकाल ले लीजिए। इसको यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश करके पोंछ कर कपड़े के साथ और इस तरह से ब्लेड जो है इसके वापस लगा दें। इस तरह से लगेंगे इसके ब्लेड नीचे से, ये देखिए। तो ब्लेड इसको वापस लगा देंगे क्योंकि जितना हम इसको अच्छे से रखेंगे संभाल कर उतना ही जो है ये बढ़िया रहेगा। तो लीजिए, ये हमने फिक्स कर दिया, इसको बिल्कुल भी ब्लेड के कवर को फेंके ना, इसको इसके अंदर डालें, अपने चॉपर को अच्छे से साफ कर लें। इसके ऊपर से लगाएंगे हम कवर इस तरह से और इस तरह से इसको बंद करके, तो पैक करके आराम से सही तरीके से इसको वापस रखें ताकि इसकी मेंटेनेंस जो है अच्छे से रहे। और बहुत ही बढ़िया हमारी जो है ये प्रोडक्ट है, इसने चॉपिंग बहुत बढ़िया करी है। मैं तो इसको फुल ग्रेड दूंगी, फुल स्टार्स, 5 स्टार्स मेरी तरफ से इसको पूरे। आपको ये अगर मेरी अनारसा का चॉपर पसंद आए तो आप चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। मैं अपने अनारसा के फूड प्रोसेसर का भी दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। पीछे मैंने थ्रेड वाले चॉपर का भी लिंक दिया था, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो वो अपनी जगह है और ये जो है अपनी जगह है। ये थोड़ी ज़्यादा क्विक जो है इसकी चॉपिंग है और जो थ्रेड वाला है उसका बेनिफिट ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी घर पे नहीं है तो भी आप उसको चॉप कर सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया जो है प्रोडक्ट है। वो भी जो है मेरा चॉपर बहुत ही बढ़िया चलता है। ये इसका ये नोवा का मैंने परचेज़ किया था और काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे इसको परचेज़ करे हुए, पर मेरा जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये थ्रेड भी इसका बिल्कुल ठीक है, कई लोग कहते हैं कि थ्रेड ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरा थ्रेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है। इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको लाइट नहीं होती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा काम जो है चल जाता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल फास्ट है, बहुत ही क्विक चॉपिंग है और बहुत ही अच्छी चॉपिंग है। ये आपके पास लाइट हो तो ये बेस्ट है और लाइट नहीं है तो ये बेस्ट है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। लिंक दोनों का मैं दे दूंगी, इसका तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी भी डेमो जो है मैंने दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डाल दूँगी। तो जल्द ही मिलते हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ, मैं किचन प्रोडक्ट खरीदती ही रहती हूँ और उसकी डेमो भी डालती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।